वह बिहारी कवि जिसने सत्ता को हमेशा चैलेंज किया और बाद में जाना पड़ा जेल। इन्होंने अपनी लेखनी से जवाहर, इंदिरा और शास्त्री पर किया था तीखा प्रहार। इस कवि ने अपनी लेखनी से गरीब, मजदूर, किसान, छात्रों के दर्द पर हमेशा मरहम लगाया। इंदिरा गांधी के लिए इसने लिखा था, क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। बिहारी बेजोड़ के आज के सेगमेंट में बात एक ऐसे कवि की जिसने तब के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री को खुला चैलेंज किया था। इतना ही नहीं, जब जब सत्ता अपने रास्ते से भटकती नजर आई, इन्होंने अपनी कविता से उसे एक नई धार देने की कोशिश की। वे तब भी और आज जब वे हम लोगों के बीच नहीं हैं, तब भी उतने ही जनप्रिय, लोकप्रिय हैं। वे बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और अनुभव को वो सब सीखा जो एक व्यक्ति स्कूल जाकर सीखता है। उन्होंने देश के मिजाज को पहले जाना, उसके बाद अपनी कलम चलाई और एक के बाद एक रचनाएं उनकी कलम से निकलती चली गई। इनकी मूल भाषा मैथिली थी, लेकिन उन्होंने भोजपुरी, हिंदी, बांग्ला के साथ साथ कई अन्य भाषाओं में अपनी रचनाएं लिखी। इनका बचपन का नाम बैद्यनाथ था, लेकिन एक रचनाकार अपनी कलम से अलग अपनी एक अलग पहचान बनाता है, तो उन्होंने अपना एक अलग नाम दिया नागार्जुन, जिन्हें लोग बाद में बाबा नागार्जुन के नाम से भी बुलाने लगे और वे खूब लोकप्रिय हुए। बाबा नागार्जुन की तुलना कबीर से की जाती है। कहा जाता है कि बाबा नागार्जुन भी कबीर की ही तरह रूढ़िवादियों से हमेशा लड़ते रहे। वे मुखर होकर अपनी बात कहते थे और सत्ता के खिलाफ जाकर बोलने की क्षमता रखते थे, जिसके कारण उन्हें कई बार कष्ट का सामना भी करना पड़ा। हालांकि बाबा नागार्जुन ने अपनी कलम की धार को कभी कम होने नहीं दिया, हमेशा वो एक नई ऊर्जा के साथ अपनी बात को कहते थे। बचपन में उन्होंने पढ़ाई संस्कृत में हुई थी, वे बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका अनुभव और उनकी बुद्धि इतनी तेज थी कि वो चीज़ों को बहुत तेज़ी से समझते थे। वह साल 1945 का था जब उन्होंने पहली बार लिखना शुरू किया था। आज जिस तरह से कभी अलग अलग राजनीतिक खेमों में बटे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन बाबा नागार्जुन की तासीर इस तरह की नहीं थी। उन्होंने अपनी एक कविता में लिखा था कि जन कवि हूँ, साफ कहूँगा, क्यों हकलाऊँ। उन्होंने कभी भी किसी भी राजनीतिक सत्ता के समर्थन में नहीं लिखा। कहा जाता है कि बाबा नागार्जुन आज़ादी से पहले जवाहरलाल नेहरू के हिमायती हुआ करते थे, लेकिन आज़ादी के बाद जब सत्ता की बागडोर नेहरू ने संभाली तो बाबा उनके मुखर विरोधियों में से एक गिने जाते हैं। आज़ादी के बाद बाबा नागार्जुन ने एक कविता लिखी थी, वह कविता जब ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ भारत आई थी तब लिखी गई थी। उन्होंने कहा था कि आओ रानी, हम ढोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहर लाल की। वह सत्ता पर एक जोरदार हमला था। बाबा नागार्जुन आपातकाल में इंदिरा के खिलाफ मुकर होकर बोले। उन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी सबसे ज्यादा शक्तिशाली महिला हुआ करती थी। इंदिरा गांधी से पहले जान लीजिए, बाबा नागार्जुन ने लाल बहादुर शास्त्री को भी नहीं छोड़ा था। जब लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने नसीहत देते हुए कहा था, लाल बहादुर मत बनना तुम गाल बहादुर। जरा याद करिए 1974-75 का वो साल जब पूरे देश में छात्र आंदोलन की धुन थी। जयप्रकाश नारायण छात्रों के मसीहा हुआ करते थे। पूरे देश का छात्र इंदिरा गांधी की सरकार से नाराज थी। पटना में छात्र आंदोलन की लौ तेज हो गई थी। पटना के ही कदम कुआं में साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा नागार्जुन ने अपनी सबसे प्रचलित कविता इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को, इसके बाद तो ऐसा लगा जैसे पूरी सभा ने तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही हो। बाबा नागार्जुन वामपंथी विचारधारा से तो थे ही, साथ ही साथ वो एक बिंदास और बोल्ड स्वभाव के भी व्यक्ति थे। साथ ही साथ उनका व्यक्तित्व जो था वो जिद्दीपन का था। हालांकि बाद के समय में उनका छात्र आंदोलन से भी मोह भंग होता चला गया, और एक उसका एकमात्र कारण ये बताया जाता है कि वे नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षा, जिसके बाद उन्होंने अपने आप को उस आंदोलन से अलग कर लिया। बाबा नागार्जुन की कविताओं के मूल में जाएंगे तो आपको लोक संस्कार, मानवीय पीड़ा और उसकी करुणा आपको दिखाई देगी। वो एक ऐसे कवि थे जिन्होंने अपनी कविताओं से खेतों, खलिहानों, किसानों, मजदूरों तक को ले गए और उसके दर्द पर एक मरहम लगाने की उन्होंने कोशिश की, और बाद में इन्हीं दर्दों को उन्होंने कागज पर भी उतेर दिया। उसके बाद उनकी कविता सत्ता पर चोट करती थी। जब देश में लंबे समय तक प्राकृतिक आपदा की स्थिति रही तब उन्होंने लिखा था, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास।
उनकी कविता में आप वस्तु स्थिति को देखेंगे, जो उन्होंने देखा उसे लिखा। आजकल के कवि पत्रकार जब सत्ता से सवाल पूछना बंद कर देते हैं तो ऐसे में बाबा कहते थे, रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुंह पे लाएगा कोई भी हो निश्चित ही वो एक कम्युनिस्ट कहलाएगा। जब बात बिहारी की आई तो उन्होंने बाल ठाकरे को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने बाल ठाकरे के लिए कहा था, बाल ठाकरे कैसी फासिस्टी प्रभुओं की गला रहा है दाल ठाकरे। बाबा नागार्जुन ने राहुल सांकृत्यायन के साथ मिलकर पूरे देश में किसान आंदोलन को चलाया था। वो बांग्ला मैथिली हिंदी भाषा में लिखा करते थे। पहले वो मैथिली की रचनाओं में अपना नाम यात्री लिखा करते थे, परंतु 1935 में अध्यापक के तौर पर सहारनपुर में नौकरी लगने के बाद वह श्रीलंका चले गए और हिंदू धर्म की रूढ़ियों से निराश होकर उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली थी। यहीं से उनका नाम मिला था नागार्जुन। बाबा नागार्जुन की एक बात और भी, वे हमेशा अपने कार्य का पैसा लेना नहीं भूलते थे, इसीलिए वे उस समय के कवियों में हमेशा अलग दिखते थे। हालांकि उनकी आखिरी दिन गरीबी और दुख में गुजरा। वे साल 1998 में इस दुनिया को छोड़कर हमसे अलविदा हो गए, लेकिन आज भी बाबा नागार्जुन की ये कविताएं हमेशा उन आंदोलनों में सुनाई देती है, जब जब छात्र हो या फिर गरीब गुरुओं का आंदोलन हो, उसमें बाबा नागार्जुन हमेशा पहली पंक्ति में खड़े हुए दिखाई देते हैं। उनकी एक पंक्तियां जो हमें बार बार याद आती है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। इसी तरह की अनगिनत कविताएं बाबा नागार्जुन की अंदर से झकझोरती रहती है। और चलते चलते आखिर में आपसे एक सवाल, बाबा नागार्जुन की कविताएं आपको कैसे प्रेरणा देती है।